कि मैं आपके साथ हूँ, कदम से कदम मिलाने को तैयार हूँ। अगर आप वाकई अपने जीवन के प्रति सीरियस है, आप वाकई चाहते हैं कि जो जीवन की हालात अभी चल रही है उससे आप खुश नहीं है, तो एक ही मौका है। अमीर आदमी के पास बोला अमीर बनने के बहुत मौके हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास एक ही मौका है अमीर बनने का, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सही है? ये सूत्र आज से 5.5 साल पहले मेरे को बताया था, उस टाइम मेरे दिमाग में घुसा था और उसी दिन से काम चालू किया, और 5.5 साल के अंदर में जीवन बदल के ये हो गया। कोट पैंट पहनने लगे, कोट पैंट पहनने लगे। पहले एक ही कोट पैंट शादी में सिलाया था, वो ऐसे छोटा भी हो गया था, वो फिर भी हम जबरदस्ती उसमें फंस के गए, प्रोग्राम में जाते रहे। ठीक है, उसके बाद जिंदगी में जो खुशहाली चेहरे का गोल है, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है और तनखा दिखती है तो धीरे धीरे चेहरे की चमक और चेहरे का जो मुस्कुराहट है वो गायब हो जाती। सही है कि नहीं? जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम दब जाते। ठीक है, उसके बाद माला तो एक ही बार एक माला डली थी, है ना, उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। शादी के कार्ड छपते थे तो अक्सर मेरा नाम छूट जाता था अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, शादी के कार्ड में। आप लोग का किसी का छूट जाता है क्या? हमें तो नाम ही नहीं आता सर। मेरा छूट जाता था, क्यों? मेरे बड़ा भाई का नाम आ जाता था, छोटे वाले का आ जाता था, मैं मंजिला, तो मेरे वाला अक्सर नाम छूट जाता था। उस टाइम क्या कर सकते, पूरा लगता था कि नहीं, लेकिन इस ब्राइट फ्यूचर की वजह से आज वो नाम छूटता नहीं है, थोड़ा ऊपर आ जाता है। आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी मुख्य अतिथि में आए, चाहते हैं कि नहीं? yes. तो कुछ अलग करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा कि नहीं, तभी yes. आएगा। yes. अगर आपके पास कुछ चीज होगी, कुछ टैलेंट होगा, तभी जाके कोई पूछेगा। सही है? yes. अभी क्या होता है, फोन करके पूछते हैं, भाई साहब अगले महीने में है शादी, टाइम है क्या? उस टाइम पहले टाइम तो लोग हमको बताना भी वाजिब नहीं समझते थे कि बताए कि नहीं, बस इतना सा अंतर हुआ यहाँ से। आप ऐसा अंतर आपके साथ हो? yes. ठीक है, उसके अलावा हमने जिंदगी में पूरे हमारे खानदान में सबके पास मोटरसाइकिल ही है, अभी भी सिर्फ मेरे पास गाड़ी है, वो भी इसी की वजह से, नौकरी से मोटरसाइकिल मैंने चलाई है। मैं जिस नौकरी किया था उसकी बहुत इज्जत करता हूँ आज भी, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस देश की सबसे अच्छी और ईमानदार नौकरी हमको मिली थी इंडियन आर्मी की। एक बार इंडियन आर्मी के लिए तालियां हो जाए। ठीक है, वो जॉब मिली थी, उसी जॉब की बदौलत हमें ये काम मिला, क्योंकि हम पुणे में पोस्टेड थे तो एक इंसान ने आके बताया। ठीक है, उसके बाद सपने में भी सोचते थे या गाड़ी का सोचते थे, तो सेकंड हैंड स्विफ्ट या कुछ ऐसी गाड़ी लेने का विचार किया था, लेकिन एक इंसान आया बोला हम तेरे को ऑडी दिलाएंगे। अब बताओ आपको मैं बोलूं ऑडी दिलाऊंगा मैं आपको, अभी तो लग रहा है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम जब वो मेरे को बोलने आए थे तो वो खुद भी मोटरसाइकिल से आए थे। अब बताओ विश्वास कर लोगे? पहली बार मुझे एक इंसान बोलने आए थे कि मैं तेरे को ऑडी दिलाऊंगा और खुद भी मोटरसाइकिल पे आए थे, विश्वास करोगे? आज तो ऑडी से आया तो फिर भी विश्वास लग रहा है कि इसने लिया तो ये दिलवा देगा। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन एक भरोसा था कि मिलके करेंगे तो कुछ न कुछ होगा। ठीक है, और आज परिवर्तन आपके सामने है, अपने माइंड को थोड़ा खोल के बैठे, चीजों को समझें, एक ही जीवन मिला है, जो करना इसी में करके जाना है। पुरानी कहावतों को छोड़ के चले, जो लोग चले गए ना, बोला खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, साथ क्या ले जाएंगे, कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन खाली हाथ आने से लेकर खाली हाथ जाने के बीच में जो आपने किया किया ना, वो यादें यहाँ रहती है। सही है कि नहीं? आप भी चाहते हो कि वो यादें यहाँ रहे, आपके नाम के कोई लोग बोले तो सही कि कोई तो था, ऐसा कुछ करके जाना चाहिए या नहीं? यस सर। अगर प्रैक्टिकल में हर बार वही करता हूँ, एक बार पीछे कर लेता हूँ, अपने दादाजी का नाम कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं दादाजी के, दादाजी का कौन कौन जानते हैं, उनके दादाजी का, समझ में आया? जबकि सात पीढ़ी का हर जगह होता ना, शादी के वचन कितने हैं, प्लस 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, तो कम से कम 7 पीढ़ी के नाम याद होने चाहिए ना? नहीं होते। क्यों?
कुछ अलग नहीं किया, जितना था उतना ही करके उसी को मेंटेन करके गए, सही है कि नहीं? अलग करते तो याद करते कि नहीं आप? अगर वो करते ना कुछ स्पेशल, चाहे पुलिस गांव में कुछ स्पेशल कर जाते, समाज में कुछ स्पेशल करते, या अपने जिला में कुछ स्पेशल करते, तो याद करते कि नहीं? तो आपको क्या लगता है इस कलयुग में हमें भी याद रखेंगे लोग? अभी तो और जल्दी भूल जाएंगे। एक जयपुर में मिला था इंसान हमें, उनको अपना दादाजी का ही नाम पता नहीं। सच में? हाँ मैडम बताओ। यस सर। एक इंसान बोला मैं पूछा दादाजी के नाम पता नहीं, पता अब बताओ ये घोर कलयुग है कि नहीं? तो ये सच्चाई है, कुछ करके जाना है तो एक मौका मिला उस पर जम के काम करेंगे। ज्यादा लंबा का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सहयोग चाहिए। क्या आप 2 साल तक हर रोज 2 से 3 घंटा ब्रेक फ्यूचर के लिए दे सकते हैं? यस सर। सिर्फ 2 साल तक 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते रहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप जो भी काम करते हो सब करते रहिए, लेकिन ईमानदारी से 2 से 3 घंटा 2 साल देना, जीवन बदल जाएगा। ठीक है? अब कैसे बदलेगा और हमारे गुरु ने हमको क्या सिखाया जिसकी बदौलत हमारे पास में ऑडी आई है और आज इनकम आ रही है, मैं चाहता हूँ वो आप तक भी पहुंचे। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? यस सर।